आप जंगल में अकेले जा रहे हों और तभी आपको कुछ ऐसी आवाज सुनाई दे। ये आवाज आपका ध्यान खींच ले, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले और फिर आपको अपने सामने कुछ ऐसा दिखे जो 40 फीट तक लंबा हो, जिसका शरीर जंग लगे लोहे से बना हुआ हो और फिर वो आपका पीछा करके आपका अपने बड़े बड़े पैने नाखूनों से काम तमाम कर दे। मैं बात कर रहा हूँ सायरन हेड की। अगर आप गूगल पर टाइप करोगे SCP-6789 तो फिर आपको केवल और केवल सायरन हेड ही दिखाई देगा। आप चाहे तो खुद ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद पहले आया भूत, फिर चुड़ैल, उसके बाद एलियंस और फिर ज़ोंबीज और अब आ चुका है सायरन हेड। मतलब इंसान को डरने का इतना ज्यादा शौक है कि वो इसकी कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। और मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप लोगों ने भर डाला सायरन हेड पे वीडियो बनाओ। तो यार आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सायरन हेड के बारे में असली सच और जानेंगे क्या है ये SCP-6789 का रहस्य। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। सन 1966 में एक फैमिली अपने वेकेशन में एरिजोना डेजर्ट गए और अपनी फैमिली वेकेशन के एक फोटो में उन्होंने सायरन हेड को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ईयर 1995 में तीन दोस्त उस जंगल में गए और उन पर एक खतरनाक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उन तीनों में से केवल एक ही जिंदा बच पाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और बाकी दो का आज तक कुछ पता नहीं चला। जो जिंदा बचा था उसने बताया कि उन पर सायरन हेड जैसे दिखने वाले एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। यही नहीं, बहुत से लोगों का तो ये तक दावा है कि सायरन हेड प्राचीन काल से ही हमारे बीच मौजूद है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने सायरन हेड को अपनी आंखों से देखा है और सायरन हेड के बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पर और यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सायरन हेड है क्या। ये एक 40 फीट लंबा मॉन्स्टर है। इसकी इतनी लंबाई का राज ये है कि इसने बचपन में कॉम्प्लेन बहुत ज्यादा पी लिया था। मजाक कर रहा हूँ। ये सुनसान जंगलों में रहता है। इसके सिर पर दो सायरन लगे हुए हैं जिनसे ये ऐसी आवाजें निकालता है कि इसका शिकार इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चला आता है। इसका शरीर जंग लगे लोहे से बना हुआ है और ये इतना पतला होता है कि पेड़ों के पीछे आसानी से छिप सकता है। दूर से देखने पर ये एक खंबे की तरह दिखाई देता है। अगर गलती से ये दो सायरन वाला सायरन हेड इंडिया में आ जाता है तो लोग पकड़ कर इसको चुनाव प्रचार में जरूर लगा देंगे। अब बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, सीरियस बात करेंगे। ट्रेवर हेंडरसन एक कैनेडियन इलस्ट्रेटर और एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सन 2018 में पहली बार सायरन हेड का 3D मॉडल क्रिएट किया था। ये उनकी रचना थी। तो जो लोग भी ये दावा करते हैं कि सायरन हेड एक प्राचीन राक्षस है, वो सारी बातें बकवास हैं, क्योंकि सायरन हेड को सन 2018 में डिजाइन किया गया था। लोगों ने इतनी सारी फेक कॉन्स्पिरेसी फैला दी, इतनी नकली कहानियां बना दी सायरन हेड को लेकर कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इतना ज्यादा फेमस हो गया कि अब GTA 5 और बहुत सारे गेम्स में ये आपको देखने मिल जाता है और अब तो इसका एक सेपरेट गेम भी है जो सायरन हेड के नाम पर ही है और ये काफी ज्यादा फेमस हॉरर गेम है। टेक्निकली अगर बात करें तो सैटेलाइट के इस जमाने में जहां पर धरती के कोने कोने पर नजर रखी जाती है, गूगल अर्थ और CCTV के दौर में 40 फीट लंबा मॉन्स्टर इंसानों की नजर से बच जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच बात तो यह है कि लोगों को झूठी कहानी सुनने और सुनाने में इतना आनंद प्राप्त होता है कि लोग कभी सिलेंडर मैन को असली बताते हैं, कभी सायरन हेड को, और वो दिन दूर नहीं जब लोग अपने मजे के लिए आयरन मैन भी बना डालेंगे। आयरन मैन तो बन चुका है, सॉरी टोनी भैया। तो 100 बातों की एक बात तो ये है कि सायरन हेड नाम की चीज केवल एक कल्पना है, वो भी ट्रेवर हेंडरसन की। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो आपको एक से बढ़कर एक डरावने क्रिएचर देखने को मिल जाएंगे जो इन्होंने डिजाइन किए हैं। अब बात करते हैं SCP-6789 की। अगर आप गूगल पर ये कोड टाइप करते हैं तो आपको सर्च में केवल और केवल सायरन हेड दिखाई देगा और उसका रीजन ये है कि SCP एक फाउंडेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल कंटेनमेंट प्रोसीजर्स। ये एक ऑनलाइन फिक्शनल फाउंडेशन है, एक संस्था है जहां पर सभी डरावने रहस्यमय मॉन्स्टर आपको मिल जाएंगे, उनको एक नंबर असाइन किया जाता है और सायरन हेड का नंबर है 6789। जैसे सुपर हीरोज का एक यूनिवर्स होता है, जैसे DC, मार्वल, वहां पर आपको सारे सुपर हीरोज एक साथ मिल जाते हैं,
वैसे ही सारे अननोन क्रिएचर्स का एक यूनिवर्स है जो आपको SCP पर मिल जाएगा। चूंकि ये ट्रेवर हेंडरसन का क्रिएशन था तो सायरन मैन के सारे राइट्स, सारी ओनरशिप ट्रेवर के पास थी और यही रीजन था कि SCP को सायरन हेड अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। लेकिन आज भी गूगल के डेटाबेस में 6789 कोड से जब भी आप सर्च करोगे तो आपको सायरन हेड मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सायरन हेड के बारे में और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन उससे ज्यादा एक जरूरी काम करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की मेरी ID बहुत ईजी है, GauravKatare01। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। मैं क्यों कहता हूँ बार बार फॉलो करने के लिए, उसका एक रीज़न है। तुमको मालूम ही होगा ठगेश नाम का एक यूट्यूबर है जिसका बहुत बड़ा अकाउंट था जो कल या परसों हैक हो गया और हैकर ने उस चैनल को डिलीट मार दिया, मतलब उसकी पूरी मेहनत को उड़ा दिया। तो यार जमाना बहुत खराब चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो ताकि कुछ भी अपडेट हो तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को बता तो सकूं। मुझे मालूम है अभी वीडियो के बाद तुम जाकर गूगल पर सर्च करोगे SCP-6789 और फिर इंस्टाग्राम पे ट्रेवर हेंडरसन का पेज भी चेक करोगे, तो जब इंस्टाग्राम खोल ही चुके होगे ना तो GauravKatare01 को भी सर्च मार लेना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।